कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होता यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखूं। दुष्यंत कुमार की लाइनें मुझे लगता है कि यदि किसी के ऊपर सटीक रूप से लागू होती है तो एक शख्सियत से आज मैं तो आपको रूबरू करा रहा हूं, मनीष मीणा, जो मनीष कचरूलाल मीणा जो खड़ निवासी हैं, सेमारी तहसील के अंतर्गत आती है ये। और इन्होंने इस साल जो RBSC 10वीं बोर्ड का जो एग्जाम हुआ उसमें 93.50 मतलब लगभग 94% बना इन्होंने। और इस क्षेत्र की पहली आदिवासी प्रतिभा है जिन्होंने इतने ऊंचे प्रतिशत के अंकों को छू लिया। जहां तक की बात है कि आप देख सकते हैं मैं अभी मनीष के घर पे हूं, और ये बच्चा, इसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसका अपना खुद का ही है कि इस बच्चे के लिए सिर्फ एकमात्र मकसद ये था कि यदि आप पूरे मन से किसी काम के प्रति लग जाती हो तो पूरी ये कायनात है, जो पूरी कुदरत है, आपकी मदद करती है। और मनीष की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनके मम्मी पापा के समर्पण का, जिन्होंने मेहनत करके, दिहाड़ी मजदूरी करके, खेती करके, हालांकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, परंतु प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है उनका भी सपोर्ट इनके साथ पूरी तरीके से रहा। और ये बच्चा जो अभी जब इससे पूछा गया तो उसने कहा कि थोड़े कम बने। मैंने इससे पूछा कि क्या टारगेट था, उसने कहा कि मुझे ये पता था कि 96% तक तो मेरे बन जाएंगे, पर वो भी कोई बात नहीं, इनके एक साथी है कार्तिक पंड्या जिन्होंने 96.33 बना लिए और सेकंड रैंक पे ये रहे। और 93.50 एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके घर पे आधे समय तो लाइट ही नहीं रहती थी, जब पूछा गया कि जब, क्योंकि इतना ट्राइबल एरिया है, एक प्रकार से अज्ञातवास में पहाड़ियों के बीच में, जहां न तो कोई नेटवर्क पकड़ता है, जहां लाइटें भी आती जाती रहती हैं। और जब इससे पूछा गया कि जब लाइटें नहीं हो तो किस प्रकार से पढ़ाई होती थी, तो इसका ये कहना था कि बस उस समय कैंडल या तो मोमबत्ती या जो दीपक वगैरह इनसे उस पर तेल डाल के ये पढ़ाई कर लिया करता था। सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज की कंडीशन कैसी भी हो, परंतु इसने हमेशा 4 से 5 घंटे का स्कोर रखा पर डे, मतलब कहीं पर भी नंबर कम आए तो अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे को दोष इसने नहीं दिया। इसका ये कहना था कि किसी भी सफलता और असफलता के लिए सिर्फ जिम्मेदार हम लोग ही होते हैं, बाकी और कोई भी नहीं। और जब भी स्कूल में जब एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी तो यहाँ से टोकर स्कूल है, तो वहां यहाँ से इसके घर की दूरी 10-12 किलोमीटर है, और यहाँ पर कोई बसें नहीं चलती है, कोई किसी भी प्रकार की व्हीकल सुविधा नहीं है, तो कई बार इस बच्चे को रविवार या इसी किसी छुट्टी के दिन जब एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी तो पैदल चलकर। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कभी भी एक भी दिन स्कूल एब्सेंट नहीं रहा, इसका समर्पण रहा, जिसकी वजह से 93.50। और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से काफी वीक है परंतु इतने मेधावी है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से हेल्प करें, निजी स्कूल तो इनकी हेल्प कर ही रही है। एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।